पूरा टकला हो गया मैं। वो हंस रही है, पूरा टकला कर दिया मेरे को। तो अभी जो अनम मेरे पीछे खड़ी है, इसके हाथ में आप देखिए क्या हाली है। ठीक है, तो आज के ब्लॉग में एक पार्ट इसमें ऐसा भी है कि मेरे जो हेयर्स हैं, ठीक है, और आप पास से देख सकते हैं ये मेरे हेयर्स, हालांकि सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अनम को मैंने एक टास्क दिया हुआ है आज के ब्लॉग में कि क्या तुम मेरे हेयर्स को, जैसे मैं लाइट टू डार्क होते ना, यहाँ हल्के फिर यहाँ डार्क फिर हल्के डार्क, वो चीज़, तो अनम को वैसा कुछ करना है। तो मैंने अनम को ट्रिमर दिया, ट्रिमर, अनम समझ में आया? हाँ ठीक है, अनम को ट्रिमर मैंने समझाया कैसे क्या फ्लो करना है, ये बटन है, इसको ऑन करना है और इसके बाद फिर हम जीरो पे करके फिर ऊपर का और साफ करेंगे, तो चलो करते हैं। ठीक है, तो अनम को लाइट टू डार्क करना है। ठीक है, लेकिन अब टास्क रुको 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 रुको, ये तो तुरंत जुड़ गई, अभी पता चला मेरे को गंजा कर दे तो मेरे को फिर कुछ बचेगा भी नहीं इसमें सही कराने को। बट आज के ब्लॉग का एक पार्ट था तो मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है इस ब्लॉग को, इसमें इंक्लूड बाल को। बट आई होप अनम सब कुछ अच्छा करे, पहली बार ये मेरे बाल काटने जा रही है और मैं हमेशा एक ही जगह सैलून में मैं हेयर कटाता हूँ, उसके अलावा मैं कभी किसी से बाल नहीं कटाता हूँ। तो अनम ने कहा नहीं मैं ये चीज़ कर लूँगी, मैंने कहा अब एक पर्सनल हमारी इनकी जो शर्त थी उसके मुताबिक फिर मुझे मजबूरी में कराना पड़ रहा है और इसको एंटरटेनमेंट में बड़ा मज़ा आ रहा है। और ये तो कैसे झांक झांक के देख रही बाल को अभी बाल में क्या है। ठीक है, तो अब आपको मैं दिखाता हूँ कैसे बाल काटेगी, क्या है, कैसे क्या करेगी। ओके तो अब स्टार्ट करते हैं कटिंग शुरू। मैं बैठ गया हूँ, खतरा मेरे साथ मंडरा रहा है। तो ट्रिमर स्टार्ट हो गया, अब ये देखिए मेरे बाल कटने शुरू हो गए हैं और जब कट जाएंगे तब मेरे को पता चलेगा कैसे कटे कैसे नहीं। अभी तो मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं। क्या मुझे फ़ोन मिलेगा देखने के लिए? मिरर तो है नहीं यार, फ़ोन दे दो मुझे मिलेगा, ये हम एक्सपर्ट हैं, आखिरी में दिखाएंगे आपको। यार गंजा हो जाऊँगा यार मैं, गंजे जो बाल आ जाएंगे यार, खराब मत करना क्योंकि उसके बाद सैलून वाले पास भी बचेगा नहीं कुछ सही करने को। हाँ यार नीचे से चलाओ ना, ऊपर ऊपर क्यों उड़ा दोगे तुम, गंजे हो जाएंगे ये लोग। सही करना यार, ये झटके से मत काटो, नीचे से फ्लो में लो बाल। हाँ तो ले रहे हैं, और नहीं कट रहा तो नंबर और डाउन कर लो। मुझे तो लग रहा है ये हो गया है, कैसे एकदम परफेक्ट छोटे हो गए। पक्का? श्योर? श्योर। नीचे जैसे चोंच बनती थी वो तो नहीं है? पता नहीं यार गाइस इसने कैसे मेरे बाल काटे होंगे, मेरे को भरोसा नहीं, लेकिन अभी फोटो में क्लिक करके तब देखूंगा कैमरे से, तब तक के लिए आप देखते रहिए। इसको मजा ले, टकला मत करना बता रहे हैं, यहाँ तक कि हमारी आपकी शर्त नहीं लगी थी। चलो डन, बोली बोली डन, कैसे चेक करें? फोटो खींचो, हाँ पीछे से फोटो खींच के दिखाओ सेल फोन से, पकड़ो। हाँ ये भी हम ही को पकड़ना है, पता नहीं कैसे हेयर कट आ रहा है, पूरा बाल मेरे ऊपर गिरा दिया, इसके पास कुछ है भी नहीं रखने को। लो फोटो खींचो पीछे से, खींचा या पिनट बीच सीधा कर, सीधा ये देखिए। अब देखते हैं हम लोग फोटो कैसी आई है। नहीं सही नहीं है ये, देखो, देखो ये पीछे एकदम स्लोप लाइट होता है, लाइट होता है कि नहीं? बिल्कुल हाँ। लेकिन ये लाइट नहीं है। तो अभी क्या करना है? देखिए कैसा काटा है अभी इसने, पूरा बाल मेरा बर्बाद कर दिया, देख रहे हैं आप पीछे कुछ भी परफेक्शन नहीं है। ये देखिए परफेक्शन जैसे लग रहा है हम नाव का सीख के आए हैं मार काबिल। तो अब मैं इसको थोड़ा सा टिप देता हूँ, बाल जब खराब हो चुके हैं तो क्यों ना थोड़े से और खराब कराने पड़ेंगे। तो ये रहा आपके पास जीरो, ठीक है, आप नीचे से बिल्कुल लाइट बाल करते हैं मदर भाई। हाँ। तो आपको एकदम यूं नीचे लाइट करना है, ऊपर थोड़े से डार्क करेंगे, पूरा यूं फ्लो चलाना है। ये लो पहले करो, टकले तो नहीं होंगे? होंगे, वो टकला ही दिखेगा वहां से। करो अब नेक्स्ट टारगेट। अरे नीचे क्या, इधर लो, ऐसे नहीं चलता है, खराब कर दी, कुछ बताना पड़ेगा। ये है ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, ओ पूरा टकला हो गए। हाँ
पूरा टकला हो गया मैं। वो हंस रही है, पूरा टकला कर दिया मेरे को। हम बात नहीं करेंगे। फोटो खींचो। पीछे तो घूमो यार, ऐसे खींचो ना फोटो। ये देखो क्या कर लियो, हम अच्छा खासा कर रहे थे, खींच के दिखा रहे हैं। छोड़ो छोड़ो, हम अच्छा खासा कर रहे थे यार, आपने खराब कर लिया अपने हाथ से। मेरे इसमें कोई हाथ नहीं है, मेरे इसमें कोई हाथ नहीं है। ये देखिए क्या करा गाइस इसने, ये हमने नहीं किया। तो भैया हमको इतनी हंसी आ रही है ये मैं कुछ कह नहीं सकती। और पीछे दिखाते हैं आपको, रुके हम ये दिखाए जरा, पीछे ऐसे खड़े हो जाए, ऐसे इधर इधर, ये देखे मैंने। अरे इधर देखो, तो आप उधर जाके दिखाओ ना। नहीं तो आप दिखा रहे ना, पीछे का हमें दिखाना है। पीछे का अगर दिखाना है तो हमको कैमरा ऐसे भी करना था, हमको क्या है यार, ऐसे करके दिखाओ ना। हमको वैसे ही दिखाना था, ये दिखा दो। मेरी सफाई, ये मैंने खेती को काट दी। क्या आड़ा तेरा, आड़ा तेरा काटा है क्या उसमें कुछ के? बस अब दोबारा कमिट मत करना, हम बता रहे, बोला था कि बहुत अच्छा कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। वीडियो में प्रूफ है, इधर आओ यार, मूड ना खराब करो अब। है तो पूरा खराब कर दिया, हम जा रहे नहा के सैलून। अब नहीं करेंगे। अब मेरी बात सुनो, देखो तुम्हें सिखा रहे थे, जब कोई सिखाता है ना तो उसको ऑन करके नहीं सिखाना चाहिए, उसको ऑफ करके सिखाना चाहिए। और आपने क्या किया था, आपने उसको ऑन करके एक बार वही चला दिया। उसमें मेरी क्या गलती, ये तो वीडियो में है और ये क्लिप कटेगी नहीं, इतना जान लो, सुने समझेगी नहीं, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैं जा रहा हूँ नहाने, हटो। तो एक काम करो, आप नहा लो और नहाने के बाद हम लोग चलते हैं बगल के सैलून में, यहाँ से आपकी खेती को हम वापस चौको आते। कितना मजा, ये जो अपना थोबड़ा है ना, मस्ता हुआ। हमने कहा था हमें मत, हमने जिंदगी में पहली बार हमने किया, वो भी ऐसा साफ किया है ना, दोबारा बोलोगे नहीं सब कर। और वापस ये रही मेरी मछलियों वाला टैंक, इसमें यहाँ दो मछली रखी है, अभी हम लोग जाएंगे दूसरी मछली और लेकर आएंगे। ये साफ हो चुकी है, ये मेरा रूम पूरा साफ हो चुका है। और यहाँ बालकनी का नज़ारा दिखाते हैं, जहाँ हमारे पेड़ पौधे रखे हैं। वो अम्मी क्या कर रही हैं आप, हैं पत्ते हैं सूखे तोड़ रही हैं, सूखे पत्ते तोड़ रही हैं, और हमारी बालकनी कुछ ऐसे लग रही है। क्या कह रहे हो आप, ये है आपके कपड़े, ये पड़े हैं यहाँ पे, मुझे इतने कपड़े तहाने हैं इस कपड़ों के ढेर में, मुझे क्या ढूंढना है। फिर से बोलो। अरे खोलो, नहीं खोले, अरे खोलो, नहीं खोले। हमने कहा था अम्मी हमसे ना कराना, कहाँ गई आप, दिख नहीं रही है। हाँ तो इतने क्यों कराया, आपको भी साफ कराने बाल, फुल आज जीरो ऑफर है, एक पैसे नहीं लगेंगे। सब मुझसे डर चुके हैं, तो मैं अपनी मछलियों को वापस से इसमें लेती हूँ, क्योंकि मेरी और भी मछलियाँ थी उनको व्हाइट स्पॉट हो गया था, तो बिचारी वो सारी मर गई थी क्योंकि हम लोगों ने ट्रीटमेंट थोड़ा लेट किया था। मछलियाँ जब मेरी जाती हैं तो मुझे बहुत अफसोस होता है, और इनको मैंने अच्छे से ट्रीट कर दिया है, और ये वाकई में बहुत अच्छे से ठीक हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। ये एक गई और ये रही हमारी दूसरी टैंक वाली फिश, कहाँ हो गई चोटी जी, आ जाओ चलो, इसको बोलते हैं टेलीस्कोप।
ये है हमारी टेलीस्कोप। वो वाली थी हमारी गोल्डन। तो ये हमारी मछलियाँ टैंक के अंदर जा चुकी हैं। एक ये रही और एक वो रही, दोनों। अब हम इसको कर लेते हैं बंद। तो ये बीच में दे रहा है हमारा ऑक्सीजन। अब हम इसमें जाएंगे और अपनी और मछलियाँ ला कर के इसमें डालेंगे। आप देख सकते हैं इसके जो वाइट स्पॉट्स थे वो एकदम ख़त्म हो चुके हैं। पहले ये इतने ज़्यादा वाइट स्पॉट्स आ गए थे, नॉर्मली ये ठंड में हो जाता है मछलियों को, तो इसलिए अब इनका टेम्परेचर भी ठीक हो गया, क्योंकि मैंने पहले इनको अपने पहले वाले टेम्परेचर में ही रखा था और उसके बाद मैंने इसको प्री हीट होने पे लगा दिया था इसके पानी को, और अब ये हीट हो चुका है क्योंकि अभी इनको हीटर की ज़रूरत है। तो बस फिर चलते हैं आगे। तो बस फिर ये था और चलते हैं हम। मैं भी जाती हूँ, फ्रेश होती हूँ, और क्योंकि घर के सारे काम हो चुके हैं। फ्रेश होने के बाद मुझे आज हॉस्पिटल भी जाना है क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ है, तो उसके लिए मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। तो पहले हम जाएंगे सैलून, उसका बाल को सही कराएंगे, और उसके बाद हम जाएंगे हॉस्पिटल, अपना हेल्थ चेकअप कराएंगे, और फिर हम वापस आपसे मिलते हैं। फाइनली हम लोग आ चुके हैं सैलून, और यहाँ पे शोएब का रिकवर हो रहा है जो कि मैंने ख़राब कर दिया था। अब आपको उम्मीद है कि सही हो जाएगा। और ये भाई हैं यहाँ सही कर रहे हैं। दोबारा कराओगे मुझसे? प्रैक्टिस से ही तो परफेक्शन आता है ना। वो टास्क था हमारे और आपके बीच, ठीक है, जो कि मुझे पूरा करना था, तो मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया और आपके हाथ से कभी नहीं कराऊंगा। करा लो यार। तो अब मैं आपको कट तो फाइनली मेरा लुक जो है अब वापस प्रिपेयर हो चुका है, और ये जो मेरे हेयर्स थे वापस सही हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और ये अनम थी, अनम ने कुछ मेरा ये हेयर ख़राब कर दिया था, और अब प्रॉपर फिक्स हो चुका है, नो प्रॉब्लम। और अभी मैं ठीक लग रहा हूँ। अब तो हम लोग को अपोलो निकलना है, तो काफ़ी देर हो रही है, तो अभी टाइम भी हो चुका है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली थी, तो हम लोग यहाँ से फटाफट निकलते हैं अपोलो। और बीच में थोड़ा सा और काम है, अगर थोड़ा सा टाइम बचेगा तो हम लोग उधर भी जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं वहाँ पे, पहुँचे हम आपसे। हम लोग डॉक्टर के पास से होकर के आ चुके हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और सुबह का हम लोग निकले थे करीब 2:30-3 बजे का, 3 बजे तक तो हम लोग पहुँच गए थे हॉस्पिटल। और फिर वहाँ से फिर हम लोग निकलते निकलते करीब डॉक्टर हम लोग को 8 बजे जाके मिली, तो इतना टाइम लग गया हम लोग को वेट करते हुए। और ये मैंने मेरी मेडिसिंस रखी हुई हैं, और बस ये है कि कुछ रिपोर्ट्स हैं जो मुझे टेस्ट है जो मुझे कराना है, और मेरा बोल नहीं पा रही हूँ मैं, मुझे इतना ज़्यादा वीकनेस लग रही है, इतनी ज़्यादा थकान लग रही है। शोएब भी अब बस फ्रेश व्रेश हो के कह रहे हैं, मैं भी सोने जा रहा हूँ। और तो ये था, और शुक्र है कि उनका हेयर जो हम लोगों ने किया था, मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो जो है ठीक हो गया है। और बस फिर यही मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इस व्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं। और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरी जो फ्रेंड है इंडियन मॉम इन अमेरिका, उसको भी आप अपना प्यार बनाए रखें, उसके ऊपर भी, उसके भी ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और उसके भी चैनल को आगे बढ़ाएं, साथ साथ हमारे भी चैनल को आगे बढ़ाएं। उम्मीद है कि ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।